हरिओम, सभी सार्थक साधिकाओं को मेरा नमस्कार। महर्षि अरविंद फाउंडेशन की ओर से चालित तत्वबोध भगवत गीता के सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज का लेक्चर सीरीज रहेगा जिसमें पिछले अध्यायों में हमने देखा था कि आत्मस्वरूप के ऊपर चर्चा हुई। 29वें श्लोक से एक सूचना भी है, आज कुछ तकनीकी कारणों से रवीना जी आज का क्लास नहीं ले पा रही हैं। आज का क्लास भगवती माई लेंगी जो एमपी आश्रम से हैं, और मैं उनसे हार्दिक अनुरोध करूंगा कि आज का लेक्चर वो आरंभ करें। मंच उनकी ओर है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मेरे को ये तत्व ज्ञान प्रवचन का और उस पर चर्चा करने का अवसर दिया है, मैं कोटि कोटि धन्यवाद आपको करती हूँ। आवाज आ रही है जी? मैं आ रही है आप। आ रही है। मैं पहले प्रार्थना शुरू करूंगी। प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं शांताकारं भुजगशयनं ॐ मूकं करोति व्याचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवं परमानंदमाधवं परमानंदमाधवं। जो आज मेरे तरफ आप सभी ने सेवा का मौका दिया है, बहुत ही एक मेरे लिए अनोखा वक्त है, क्योंकि मैंने तो ऐसा जो क्लास है अभी तक किया नहीं है। तो मेरे मुंह से जो भी शब्द निकलेगा वो ठीक से निकलेगा नहीं निकलेगा वो गुरु कृपा से ही होगा। और जो मैं बोलने जा रही हूँ, एक अबोध बालक मान के उसको पूरा कर सकते हैं आप, क्योंकि माँ के लिए बच्चा छोटा होता है वो बोबड़े बोल बोलता है, और माँ उसको मीठे मान के उसका कुतूहल करते करके उसको अपना लेती है। तो ऐसा ही मैं आप सभी को प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरी माता हैं, पिता हैं, और मेरे जो बोबड़े बोल हैं वो गुरुचरणों में मैं अर्पण करते हुए उनके ही कृपा से आज मैंने जो तत्व ज्ञान का क्लास है स्वीकार की हूँ। अब वो जो बोलवा लेंगे मेरे मुंह से वो मैं बोलूंगी, मेरा तो उसमें कुछ
है नहीं। तत्व ज्ञान किसको कहते हैं? पहले हमको इसको जानना पड़ेगा। तत्व ज्ञान, तत्व अनेक होते हैं। शरीर तत्वों से बना है, अनेक साधनों से बना हुआ है। पहले हम उस शरीर को जानेंगे तो फिर उसके उसके ज्ञान को हम जान सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? हाँ, आवाज आ रही है। बोलिए बोलिए। हेलो, ठीक है, मैं मानती हूँ कि मेरा आवाज अब तक आ रही है, आ रहा है, मैं मान लेती हूँ और बोल भी जाती हूँ। तो तत्व का अर्थ होता है पंच तत्व। पांच तत्व से हमारा शरीर बना है, पांच ज्ञान इंद्रियों से हमारा शरीर बना है, पांच कर्म इंद्रियों से हमारा शरीर बना है, पांच प्राणों से हमारा शरीर बना है, पांच कोशों से हमारा शरीर बना है, सात धातुओं उनसे हमारा शरीर बना है। यानी ये सब तत्वों से शरीर बना है और हम उस शरीर को ही हम अपना स्वरूप मान बैठे हैं। तो उसका हम पहले विश्लेषण करेंगे तो हम उस बोध तक हम जाएंगे, उस ज्ञान तक हम जाएंगे। पांच तत्व पृथ्वी आप तेज वायु आकाश हमारे शरीर में है। तो अब उस शरीर में रहे हुए तत्वों को पहले हमको जानना पड़ेगा कि तत्व किस पद्धति से हमारे शरीर में उपलब्ध है और उसको हम जानेंगे तो हम कोई भी चीज में अलिप्त रहने का प्रयास करेंगे। भगवद गीता यही बताती है कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम इंद्रिय नहीं हैं, हम पांच प्राण नहीं हैं, पांच तत्व नहीं हैं, धातु नहीं हैं। यही हमको बताती है और उसके कारण हम इसको जान लेते हैं तो हमारा जो स्वरूप है हम उस स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं और हम सुनते आए हैं कि भगवद गीता अर्जुन को बताई गई है और भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं। ये भगवद गीता एक हमारे लिए अमृत के जैसी है। ये भगवद गीता जब हम इसका आकलन करते हैं, आचरण करते हैं, उसको हम अपने अंदर उतारते हैं तो भगवद गीता हमको जीवन देती है, अमृत में हमारा जीवन करती है। हम फिर कभी मरेंगे नहीं, हम कभी जन्म लेंगे नहीं, हम कभी दुखी नहीं होंगे, ऐसी है भगवद गीता है। कहते हैं भगवद गीता के एक श्लोक में, सरोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनहा वस पार्थो वस सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महा। यानी भगवद गीता अमृत के जैसी है और सर्व उपनिषद का सार है और ये गो माता जैसी है और भगवान उसको दुह रहे हैं और पार्थ रूपी हम है, हमको दूध पिला रही है, ऐसी है भगवद गीता है। भगवद गीता से हमारा बोध हो जाता है हम कौन है,
हम किस लिए आए हैं और हमको क्या करना है, इसका बोध भगवद गीता देती है। भगवद गीता हमको अपने उच्च स्तर पर लेके जाती है। इस भगवद गीता का जो 29वां श्लोक है, तो 29वां श्लोक में कहते हैं कि आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् मन्यश्रुणोति आश्चर्यवच्चैन मन्यश्रुणोति श्रुत्वा पेनं वेदन चैव कश्चित्। ये जो श्लोक का अर्थ है, ये श्लोक का अर्थ ये कहता है कि कोई एकाद कश्चित आश्चर्य से देखता है। किसको देखता है? पहले इसका विवरण पूरा हो गया है, आत्मा का विवरण, जो इसको इसने भी इसका व्याख्यान किया है। तो आत्मा नैनम छिन्न शस्त्रा नैनम देहति पाद कहा, चैनम वेदयंत्या पुनः शोषति मारु कहा, अव्यक्तो यम अचिंत्यो यम अधिकारो विद्यते तस्मादेनम भूतवैनम मान शोची तुमर्हसि। ऐसा आत्मा है, जाते से ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचि तुमर्हसि। अर्जुन को शोक हुआ था, अर्जुन बोलता था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि उन अर्जुन के सामने उनके बहुत रिश्तेदार युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे। और अर्जुन ने पहले भी बहुत सारे युद्ध किए थे, लोगों को मारे थे, सबका खून बहाया था। उस समय अर्जुन को ये बात नहीं समझी कि ये इससे हानि होगी, इससे रक्तपात होगा, इससे स्त्रिया विधवा होगी, बाल बच्चे माता पिता से वंचित होंगे। ये उनको उस समय नहीं समझा था, लेकिन जब आसक्ति में पड़ जाता है व्यक्ति, अटैचमेंट रहता है, तो उस समय हम उसको भूल जाते हैं और हमको उस समय ज्ञान की भी बातें समझ में आ जाती है और ये ज्ञान की बातें भी अज्ञान अवस्था में आ जाती हैं। तो ऐसे स्थिति में भगवान उसको कर्तव्य का बोध कराते हैं और बोध करा के बल्कि उसको प्रवृत्त कराते हैं युद्ध करने के लिए। लेकिन वो युद्ध करने के लिए तैयार होता नहीं है। वो कहता है कि ऐसा रक्तपात होने से मेरा, मैं तो नर्क में चला जाऊंगा, मेरा ये होगा वो होगा, बहुत सारे बहाने बताता है। और भगवान वहां से उसको बार बार उठाते हैं और वो बार बार अपनी बहाने बताते रहता है। तब भगवान को लगता है कि अब मैं इसको क्या करूं, तब भगवान उसको तत्व बोध का अर्थ बताते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं कि ये आत्मा अमर है और ये शरीर सब मरने वाले हैं। न जायते मृते वा कदाचित नायं भूत्वा न भविता वा भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसको, इस आत्मा को मारने से मरता नहीं है, पानी से डुबाने से डूबता नहीं है, जलाने से, अग्नि से जलाने से जलता नहीं है, हवा के, हवा से वो सूखता नहीं है। ऐसा ये आत्मा है और आत्मा अमर है और शरीर ये मरने वाला है।
उस शरीर को ही आत्मा मान के बैठा है और अपने कर्तव्य से तू दूर हो रहा है। तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना है। कौन मर रहा है और कौन जी रहा है इसका तुमको कोई भी उसमें वो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना अपना कर्तव्य होता है। अर्जुन योद्धा था और अर्जुन कहता था कि मैं जंगल में जाके बैठ जाऊंगा, मेरे को ये काम करना ही नहीं। लेकिन जंगल में जाके भी भगवान बोलते हैं कि तेरा स्वभाव क्या है? युद्ध करने का है। कोई एकाध प्राणी को मार रहा है तो तू अपना धनुष लेके उड़ जाएगा और मारने लगेगा। वहां तू जाएगा और संन्यास लेगा तो तेरा संन्यास सधेगा नहीं, क्योंकि स्वभाव गुण बहुत ही प्रबल होता है। तो ऐसे उनको भगवान ज्ञान देते हैं, लेकिन अर्जुन को जस्ता ही नहीं है। तो ऐसा आत्मा का ज्ञान जब होता है और जब जिज्ञासा होती है व्यक्ति को, तो इस श्लोक में बताया है आश्चर्यवत पश्यति कश्चित् देना। आश्चर्यवत देखता है, जो जिज्ञासु होता है उस आत्मा को आश्चर्यवत देखता है। आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः, और कुछ आश्चर्यवत बोलते हैं, वर्णन करते हैं कि आत्मा अमर है, आत्मा नित्य है, आत्मा कभी उसका नाश नहीं होता, अविनाशी है। आत्मा को जानने के लिए ज्ञान होना चाहिए, आत्मा दीपक जैसा है वगैरह वगैरह वर्णन करते हैं कोई। और कोई उसको सुनते भी है, आत्मा अविनाशी अव्यक्त अवध्य है, इस प्रकार से ब्रह्म हमेशा रहने वाली है, ऐसे वो सुनते हैं। और कोई श्रुत्वा पेन वेदन चैव कश्चित्, सुनकर भी उसको जान नहीं सकते है। इस ये महत्व की बात है हमारे लिए कि उसकी व्याख्या भी कर सकते हैं, उसको सुन भी सकते हैं, उसको कोई देख सकता है। और देखने का अर्थ जानने का अर्थ है। तो जानना बहुत महत्व की बात होती है। हम इस आत्मा को कैसे जानेंगे? हम इस आत्मा को जब हम अपने अंदर स्थित हो जाते हैं तभी हम उसको जान सकते हैं, नहीं तो हम कभी जान नहीं सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि गुरुदेव हमको मुख सिद्धि में बताते हैं कि जानने की पद्धति कि श्वास लो और श्वास छोड़ो। श्वास लेने से छोड़ने से हमको अनुभूति नहीं आती है, हम अपने अंदर स्थित नहीं रहते हैं। लेकिन जब हम श्वास ले रहे हैं तो उस श्वास आने जाने के बीच में जो श्वास होती है उसमें हम एक दो सेकंड जितना भी हो सकता है, जितना जैसा अभ्यास होता है वो हम रुक जाते हैं, तो हमारा ज्ञान हमको होने लगता है। तो ऐसा हमको उसमें स्थित होना जरूरी होता है। जब हम स्थित होंगे तभी हम उस आत्मा की बातें गहराई से हम जानेंगे। आत्मा दिखाई नहीं देता है, आत्मा को हम आत्मा के बारे में हम बोल भी नहीं सकते हैं। आत्मा को हम सुन भी नहीं सकते हैं, उसको केवल अनुभव किया जाता है। और वो अनुभव अपने अंदर हम जब तक अपने अपने आप में जब तक स्थित नहीं होते हैं
तब तक हम उसमें उसका अनुभव नहीं कर सकते हैं। देही नित्यमयोध्येयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि नत्वं शोचि पुनर्हसि। तीसरे श्लोक में अर्जुन को भगवान बताते हैं देही देह में रहने वाला यह देही है, ये नित्य है अवध्य है। ये अर्जुन इस आत्मा को जानोगे तो तुम्हारा शोक दूर हो जाएगा। तुम इस शोक से पार पा जाओगे, क्योंकि कुछ भी तुम्हारे अंदर अज्ञान बचेगा नहीं। इस देही को देही का अभ्यास करना पड़ेगा, आत्म तत्व का अभ्यास करना पड़ेगा। उसके लिए पहले हमको स्वधर्म को जानना पड़ेगा, हमारा स्वधर्म क्या है। और जब हमारा स्वधर्म हमको पता लग जाता है तो हम अपने में स्थित हो जाते हैं। फिर वो धर्म हमारा स्वधर्म कोई भी हो, कहते हैं कि स्वधर्म अनेक प्रकार के होते हैं। जैसा कोई जाति के अनुसार उनको मिल जाता है, किसी को स्वभाव के अनुसार मिल जाता है। एक कहानी आती है स्वधर्म के बारे में कि जो रहीदास थे, रहीदास एक मोची थे और उनका कार्य कौन सा था, जूते सीना, चप्पल सीना, और उसमें से दो पैसा आता है तो उसका घर, उससे घर चलाना, माँ पिता की सेवा करना, और उसमें से भी एक पैसा बच जाता है तो दान धर्म करना। तो मोची वो रहीदास अपना स्वधर्म निभा रहे थे और स्वधर्म निभाते निभाते अपना जीवन अपने माँ पिताजी की सेवा करते रहते थे। एक दिन कहते हैं कि पुंडलिक महाराज उस रास्ते से काशी विश्वेश्वर जाने के लिए निकले और उनके आंगन से गुजर रहे थे तो उनको देखा पुंडलिक महाराज को, और उन्होंने आश्चर्य से बोला कि महाराज जी आप कहाँ जा रहे हैं। तो बोलते हैं कि मैं काशी विश्वेश्वर जा रहा हूँ दर्शन करने। तो उनको भी ऐसा लग रहा था कि अपन भी जाना चाहिए, लेकिन उनके सामने अपना स्वधर्म पड़ा हुआ था, क्योंकि माता पिता उनके बहुत बूढ़े हो गए थे, वृद्ध हो गए थे, और ऐसी स्थिति में उनको यात्रा करना उचित नहीं लगी। हम अपना अपने स्वधर्म को छोड़ के यदि हम यात्रा करने निकले, घर में माता पिता बीमार है या घर में कुछ व्यवस्था नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन हम ऐसा उनको ऐसा लगता है कि हम तीर्थ यात्रा जाए, वहां से पुण्य प्राप्त कर ले, तो हमारी परिस्थिति नहीं रहने के बाद भी हम उधार पैसा लेके कर्जा निकाल के यात्रा चले जाते हैं। माँ पिता बीमार है उनको भी नहीं देते, क्योंकि हमको पुण्य कमाना है। तो पुण्य कमाने के भाव से हम निकल जाते हैं। तो ये हम स्वधर्म को ठुकराना है, स्वधर्म को ठुकराएंगे तो हमको पुण्य नहीं मिलेगा, उससे तो और हम दोषी हो जाएंगे और हम पापी हो जाएंगे। हमारे पल्ले में पाप के बिना दूसरा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो यही हमको इस कहानी से सीखना है। उन्होंने जब
कहा कि हे महाराज जी, मैं तो आ नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे माता पिता वृद्ध है और उनके लिए मेरे को दो पैसा कमाना है, उनकी सेवा करना है। मेरा यही महत्व की सेवा है और यही मेरी तीर्थ यात्रा है। तो उन्होंने एक पैसा उनके कमाई का था वो उनको दे दिया और बोलते हैं कि गंगा मैया को इसको अर्पण कर देना, क्योंकि हम जब कमाई करते हैं तो दसवां हिस्सा हमको कमाई का धर्म के लिए भी देना चाहिए, तब हम उस धर्म उस धन का अच्छी तरह से हम उसका उपयोग कर सकते हैं और उसका हम अधिकारी भी हो सकते हैं। हम बहुत कमाए और कमाने के बाद हम धर्म कार्य के लिए एक भी पैसा हम खर्चा नहीं करते हैं, केवल हमारे परिवार के लिए, हमारे भोग वैभव के लिए ही उसको इस्तेमाल करते हैं। तो वो धन दूषित हो जाता है और वो दूषित धन कभी हमको सुख देता नहीं है, वो हमको हमेशा अशांति निर्माण करता है। तो शांति निर्माण हमारे अंदर होनी चाहिए, तो हमको ये कमाई का दसवां भाग धर्म के कार्य में देना चाहिए। तो यही सोच के उन्होंने एक पैसा उन्होंने गंगा मैया को अर्पण करने के लिए दे दिया। और जब पुंडलिक महाराज काशी विश्वेश्वर का दर्शन कर लिया और फिर वापस गंगा मैया के पास आए, गंगा मैया अभी दर्शन कर लिया और उन्होंने फिर जाने लगे, तो उनको याद आ गई, अरे रविदास ने मेरे को एक पैसा दिया था, उसको अर्पण नहीं किया। तो उन्होंने फिर लौट के आके उनको वो पैसा को अर्पण कर दिया। तो वो गंगा मैया ने उनको उसके प्रसाद के रूप में एक रत्न जड़ित रत्नों से मड़ा हुआ एक कंगन उनको अर्पण कर दिया रविदास को। तो गंगा मैया ने बोला कि ये रविदास का प्रसाद है, रविदास को दे देना। और वो रविदास पुंडलिक महाराज लेके निकले। निकलने के बाद साथ में उनकी पत्नी थी, तो पत्नी का मन उसमें लुभ गया और बोलने लगी कि यह कंगन मैं पहनूंगी और इसके साथ दूसरा भी कंगन हमारे को बना के देना। ये हमारे अंदर लालच, कोई भी चीज को हमको लालच, यानी कोई चीज हमको दिखती है आँख से तो हमको लालच पैदा हो जाती है और हम लालच में अपने को भूल जाते हैं। तो लालच में वो भूल गई कि हम किस लिए आए थे यहाँ यात्रा करने, पुण्य कमाने के लिए। लेकिन पुण्य ना कमाते हुए उन्होंने पाप का रास्ता पकड़ लिया और वो अपने घर उस कंगन को लेके चले गए। फिर अब एक कंगन हाथ में शोभा नहीं देता है, दूसरा होना चाहिए। सोनार के पास गया, सोनार को बोले ऐसा कंगन बनाओ, लेकिन सोनार बोला मेरे को ऐसा बनाना आता नहीं है क्योंकि ये अनोखा है, मैंने कभी बनाया नहीं, कभी मैं बना सकता नहीं हूँ, तो ये आपका कंगन आप लेके चले जाओ। तो ऐसी बात, फिर ये बात गांव में फैल गई कि कंगन कहाँ से लाया, और उस कंगन की बात राजा तक गई और राजा ने फिर उसको पूछा कि वो कंगन कहाँ से आया। तो बोले कि ये रविदास ने एक पैसा दिया था, उसका प्रसाद रूप में हमको ये मिल गया है, लेकिन मैंने ईमानदारी रखी नहीं और मैं अपने घर में लेके आया, तो अब मैं उसका दोषी हूँ, मेरे को आप जो भी शिक्षा देंगे ले सकते हो। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कंगन इस पद्धति से माता गंगा ने दिया है, तो इसमें कुछ तथ्य है, इसमें कुछ बोध है, इसमें कुछ अच्छी बातें हैं, यानी गुह्य बात है, इसको जानना ही चाहिए। और राजा वहाँ चला गया रविदास के पास और रविदास को पूछने लगा कि हे रविदास, तुम कोई कंगन मिला है, इसका क्या तुमने इतना पुण्य कमाया है, क्या तुम करते हो,
रैदास ने बोला कि मैं तो कुछ पुण्य नहीं किया हूँ, कुछ भी नहीं, मेरा धर्म है माता पिता की सेवा करना और अपने मेरा काम है दो पैसा अपने स्वधर्म से जो काम मिला है उससे दो पैसा कमाना, बस यही है। और मैं जान लगा के मेरी माता पिता की सेवा करता हूँ। तो कहने का मतलब है कि ये जो स्वधर्म है, हमारा स्वधर्म कैसा भी हो, कोई भी पद्धति का हो, लेकिन हम उसको ईमानदारी से करते हैं, जान लगा के करते हैं, तो उससे भी हमको तत्वबोध का ज्ञान हो जाता है, हम उस आत्मा का ज्ञान हमको हो जाता है। रैदास को उसे अपने धर्म से, अपने स्वधर्म से ही आत्मा का ज्ञान हो गया और वो अपनी सक्षमता निर्माण कर लिया। तो ये श्रुत्वा पेनम वेदनचैव कश्चित्, सातवें अध्याय में भगवद गीता के सातवें अध्याय में कहते हैं कि सहस्रे मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् ददति सिद्धये इततामपि सिद्धानां कश्चिन्वा वेति तत्त्वतः लक्ष्यावधि ते एकादा मोक्षार्थ झटति कदी झटनार्या ते एकादा तत्त्वता पावतो मद। तत्त्वता तत्व बोध का ज्ञान होने के लिए सभी को उसका वो नहीं हो सकता है, अधिकार नहीं मिल सकता है। सहस्रा मनुष्यानाम सहस्रेशु, हजारों मनुष्य है वो जिज्ञासु होते हैं और जिज्ञासु में एकाधि व्यक्ति उस तत्व के रास्ते पर चलता है और उस तत्व पर उसमें हजारों लोग तत्व पे चलने के बाद एकादही सिद्ध होता है। तो उनको अपना जो प्रयास है उनको छोड़ना नहीं चाहिए। भगवद गीता कहती है कि हमको ज्ञान को प्राप्त करना है तो इस संसार में जितने भी चीजें हैं उस चीजों से अलगाव रखना है, यानी अटैचमेंट नहीं रखना है, कर्तव्य करना है, कर्तव्य करने के लिए चूकना नहीं है, लेकिन उस कर्तव्य करते करते अटैचमेंट नहीं होता है तो सिद्धि को प्राप्त होता है। हम सन्यासी बनने के बाद भी हमारा हर चीज में अटैचमेंट रहता है तो हम सन्यासी होके भी संसारी हैं और संसारी लोगों को ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि ये जो पदार्थ है संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो नाशवान है। उस नाशवान पदार्थ के पीछे हम जाते हैं तो हमको कभी शांति नहीं मिलती है, कभी हमको सुख नहीं मिलता है, कभी हमको आनंद नहीं मिलता है, कभी हमको उसमें संतोष नहीं मिलता है, क्योंकि ये परिवर्तनशील है, हमेशा परिवर्तन होता रहता है, बदलती रहती है। इसलिए भगवान ने इस शरीर का भी बदल होता है, ये एक श्लोक में बताया है कि ये शरीर क्या है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति है अर्जुन। ये देह तो जन्म लेता है, छोटा रहता है, फिर कौमार अवस्था में आता है, फिर जरा अवस्था में आता है, फिर बीमार अवस्था में आता है और फिर वो नाश पावता है, नाश हो जाता है, मर जाता है।
तो ऐसी जो वस्तु हमेशा बदलती रहती है, तो बदलती हुई वस्तु में हमको कैसा सुख मिलेगा, कैसा संतोष मिलेगा, कैसा आनंद मिलेगा? आनंद तो जब बदल नहीं होगा तभी होगा। हम छोटे बच्चे जैसा गुड़िया का खेल खेलते रहेंगे, वो हमको अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। स्वरूप का ज्ञान होने के लिए इससे ऊपर उठना पड़ेगा। इससे ऊपर उठने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि अर्जुन, तुम पंडित जैसी बातें करना छोड़ दो और तू सच्चा पंडित बन, यानी तत्वदर्शी बन। जब तक तुम तत्वदर्शी नहीं बनेगा तब तक तुम्हारी ये बातें सब व्यर्थ है, और अपने स्वधर्म को, स्वधर्म का पालन करो। स्वधर्म का पालन जो करता है वही इस जगत में कुछ कर सकता है। स्वधर्ममपि चावेक्षम नविकम्पि तुमर्हसि धर्म्याभिदच्छेयेन क्षत्रियस्यन विद्यते। और तेरे लिए युद्ध करना ही आवश्यक है। और हर व्यक्ति का अलग अलग धर्म होता है। कोई राष्ट्र की सेवा के लिए निकला है, कोई अपने माता पिता की सेवा के लिए निकला है, कोई अपने आत्मा को जानने के लिए निकला है। तो ये जिसने जो स्वधर्म अपनाया है उसको पूरा पूरा करना है, तभी हम उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे। यदृश्याचोपन्नम स्वर्गाद स्वर्गद्वारमुपाभूतम सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धनिदृशम। ये जो स्वधर्म है स्वर्ग से भी महान होता है। स्वर्ग हम पुण्य करने से स्वर्ग मिलता है ऐसा हम कहते हैं। तो पुण्य तो जब होगा जब हम लोगों का कल्याण करेंगे, और पहले तो हमको खुद का कल्याण कर खुद को जानना है। जब हम खुद को जानेंगे तभी हम लोगों का कल्याण कर सकते हैं। हम अपने को नहीं जानेंगे तो हम दूसरों को क्या जान सकते हैं? दूसरों को जानने के लिए पहले अपने आप की जानकारी लेनी है। मैं कौन हूँ, मेरे को क्या करना है, और मैं क्या करके जाना है? अथचे तुम धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततस्व धर्मम कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। ये जो धर्म संग्राम है इसको तुम छोड़ के नहीं जा सकते हो। तू इस धर्म को छोड़ के, तुम ये संग्राम को छोड़ के जाएगा तो तुम्हारी कीर्ति अपकीर्ति हो जाएगी। तुम कीर्ति को प्राप्त नहीं होंगे, तुम पाप को प्राप्त होंगे, क्योंकि जो स्वधर्म से वंचित होता है उसकी निंदा हो जाती है। हमारा धर्म है लोगों को ज्ञान देना, लोगों को अच्छी बातें बताना और लोगों की सेवा करना। और हम यदि गलत मार्ग पे चलते हैं तो हमारी निंदा हो जाएगी। हम आए हैं अपना कल्याण करने के लिए और हम दुष्ट मार्ग में लग जाएंगे, हम
गलत मार्ग में लग जाएंगे तो हमारी निंदा होगी और हम पाप से लिप्त भी हो जाएंगे। इसलिए अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तू अपना धर्म छोड़ के अपकीर्ति को प्राप्त हो रहे हो और अपकीर्ति मरणादपि उच्यते, मरण से भी बहुत ही दुखदाई है। एक बार मरते समय हमको दुख नहीं होगा, थोड़ा सा दुख होगा, 5 मिनट का दुख होगा, 1 क्षण का दुख होगा जान जाते समय, लेकिन जो गलत काम करके हम जीवन जीते हैं तो बड़ा मरण से भी मरण हो जाता है। अश्वत्थामा की कहानी महाभारत में आती है कि अश्वत्थामा जब उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु परीक्षित को खत्म करने लगा था तो भगवान ने परीक्षित को जीवन दान दिया, उसका रक्षण किया, लेकिन जब पांडवों के जो पुत्र थे उनको मारा, 5 पांडवों के 5 पुत्रों को मारा, तो द्रौपदी ने उसको कहा पांडवों को कि जिसने भी मेरे पुत्रों को मारा है उसको पकड़ के लाओ, और पांडवों ने उसको पकड़ के लाए। पांडवों ने पकड़ के लाने के बाद उसको क्या शिक्षा देना है द्रौपदी को पूछा, तो द्रौपदी ने कहा कि अब मैं इसको क्या शिक्षा दूं, मेरे को इसके ऊपर बहुत दया आती है क्योंकि ये मेरा गुरु पुत्र है, मेरे गुरु का पुत्र है, और वैसे तो मेरे गुरु तो चले गए हैं युद्ध करते करते, और माता गौतमी है तो उसको ये पुत्र एक सहारा है, और यदि उसका ये सहारा भी निकल जाए चला जाए तो कितनी दुखी हो जाएगी, मेरे पुत्र तो चले गए हैं लेकिन मेरे पति है तो मैं मेरे पति के तरफ देखते हुए मैं अपना जीवन चला लूंगी, जीवन जी लूंगी, लेकिन मेरी जो गुरु माता है उसको कैसा कैसा जीना होगा उसका, इसलिए उसने उसको जीवन दान देने के लिए बोले। लेकिन इसने इतना बड़ा अपराध किया था, छोटे छोटे बच्चों को, 5 बच्चों को मार डाला, तो इसका अघन्य जो अपराध है उसको तो ऐसा नहीं जाने देंगे, उसको उसका तो पनिशमेंट देना ही पड़ेगा, उसका तो उसकी शिक्षा तो देनी पड़ेगी, क्योंकि जो अधर्म से चलता है तो उसको शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि उसको भी पता चलना चाहिए कि अधर्म का फल क्या है और धर्म का फल क्या है। तो इस वजह से भगवान ने बोला है कि इसको इसको मारना नहीं, जान से मारना नहीं, लेकिन इसका जो शिरोमणि है उसको निकाल दो, अपमानित होगा, और इसको बार बार याद आएगी कि ये मैंने जघन्य पाप किया है, जघन्य अपराध किया है, तो इसका पनिशमेंट मेरे को मिला है, बार बार वो याद करेगा और उसको मरने से भी दुख होगा हो जाएगा। तो अपमानित जो मनुष्य होता है वो बार बार अपना अपमान याद करता है तो मरने से भी बहुत खतरनाक होता है। तो इसलिए अर्जुन को बोलते हैं भगवान कि हे अर्जुन, तू अपना स्वधर्म छोड़ के अकीर्ति को प्राप्त होगा, तो तू जिंदा रहने के बाद भी मरे जैसा रहेगा, तू ये तेरे जीवन जीने का क्या मकसद होगा, ये तो युद्ध करके तू मर जाएगा वो अच्छा रहेगा, इसलिए तू अपना स्वधर्म पालन करो, युद्ध करो, तेरे को युद्ध किए बिना तेरी गति नहीं है। अकीर्ति चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते व्याम संभावतस्य चाकीर्ति मरणादपि उच्यते, भयाद्रणादुपरतं वंशते त्वां महारथाः एषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्य शिलालयम्। महारथियों के लिए, महान व्यक्ति के लिए कहते हैं ना कि समझदारी वालों को शब्द का घाव,
और जो समझदार नहीं है उसको चप्पल का भी घाव दिया तो कभी उसको अपमान नहीं लगता है। तो समझदार व्यक्ति को शब्दों का भी भाव बहुत हो जाता है। और हमको इस तत्व बोध से, इस तत्व ज्ञान से यही लेना है कि हम अपने जीवन में क्या करना है, अपना जीवन कैसा बिताना है, अपने जीवन का मकसद क्या है। बार बार हम अपने को प्रश्न पूछते रहे और उस प्रश्नों को खोजते रहे तो प्रश्नों को खोजते खोजते हमारी मंजिल हमको मिल जाएगी। हमारा जो गोल है वो गोल तक हम पहुंच जाएंगे। हमारा गोल है हमको खुद को जानने का गोल, और खुद को जानने के लिए हमको क्या करना है उसके लिए तो महर्षि अरविंदो फाउंडेशन ने बहुत सारे उपक्रम दिए हैं, प्रोसेस दिए हैं। उस प्रोसेस के अनुसार हमको अपने को जानना है। सेवा कार्य है, मुच्छदी के क्रिया है और अनेक राष्ट्र का कार्य है। हम अपना स्वधर्म पहचान लेना है और स्वधर्मों को अपनाना है और अपनाते हुए हमको इस धरती पे आने का मकसद पूरा करना है। अवाच्य वादाम च बहून वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्ति स्तव पार निन्दन्ति स्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नहि। इसी भगवत गीता हमको ज्ञान देती जाती है। ततो वा प्राप्सिषि स्वर्गं हित्वा वा भोक्षिषि महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। या अर्जुन, तुम मर जाओगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा और जी जाओगे तो तुमको मही मिलेगी, मही यानी पृथ्वी का राज्य मिलेगा। तुम्हारे दोनों हाथ पर बूंदी के लड्डू है, यानी इधर से भी तू जीत जाओगे और उधर से भी तुम जीत जाओगे। इसलिए हम जब कार्य करते जाते हैं तो हमारी हार नहीं होती है। हम जितना भी हो, जैसा भी हमारे हाथ यानी सामर्थ्य है उसे हम करते जाए तो हमको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो हमको ये भगवद गीता बोध देती है, हमको विवेक देती है, विवेक बुद्धि का हमको उपयोग करना है। सत्सद विवेक बुद्धि हमारे पास होनी चाहिए। सत्सद विवेक बुद्धि जब हमारे पास होती है, उसका इस्तेमाल होता है तो हम कार्य सुचारू रूप से करते हैं, हमारा जीवन सुचारू रूप से होता है, हम कभी किसी में बहके नहीं जाएंगे, हम कभी किसी के बातों में नहीं जाएंगे, हम कभी किसी लालच में नहीं पड़ेंगे। लालच बुरी होती है, हमको लालच के कारण ही दुख होता है, लालच के कारण ही हमको असंतोष होता है, लालच के कारण ही हम असमाधानी होते हैं। समाधान तो उसमें है, ठेविले अनंत कैसे ची रहावे चित्त अशुदावे समाधान। चित्त में समाधान जो मिलता है उसी में हमको समाधानी रहना चाहिए। हम क्या करते हैं, हमारी शक्ति नहीं है, हमारी हमारे पास उतने साधन नहीं है और लालच करते रहते हैं। जैसा अब उदाहरण देते हैं कि
घर बनाना है, तो हम घर बनाने के लिए, हमको तो घर है, रहने के लिए घर है, सब कुछ सुविधाएं हैं, लेकिन हमारा घर मिट्टी का है। तो लोगों का घर बड़ा महल जैसा दिखाई दे रहा है, ये सीमेंट का बनाया हुआ है, स्लैब का बनाया हुआ है, तो उसको देख के हमको हमारे अंदर एक ईर्ष्या भाव आ जाता है, या लालच भाव आ जाता है, या ऐसा मत्सर भाव आ जाता है। और हम क्या करते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं कि हमको हमारा भी घर ऐसा होना चाहिए, उसमें ऐसी सुख सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन उसमें सुख सुविधा के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी पैसा कमाने की ताकत नहीं है, लेकिन हम जी जान लगा के उसके लिए ताकत लगाते हैं, कर्जा उठाते हैं और घर बना लेते हैं। अब घर बनाने के बाद उसको शांति मिलेगी ऐसा लगता है, लेकिन मृग तृष्णा मृगजाल, कभी मृग तृष्णा खत्म होती है, ऐसा लगता है कि पानी रोड पे तो पानी दिखाई देता है, लेकिन जाए वहां तो पानी नहीं रहता है, वो रोड ही रहता है, सूखा रास्ता रहता है। ये मृग तृष्णा हमारी, वो घर बना लिया, कर्जा होके बैठ गए, अब घर घर में तो कुछ सामान रखने के लिए नहीं, जैसा घर बनाओ वैसी सुविधा भी अपने सामान भी रखने का मनुष्य का एक लालच हो जाती है, एक भाव हो जाता है, तो ऐसे में वो फिर दुखी हो जाता है। और दुख हम खुद ही लाते हैं, दुख बाहर से नहीं रहता है, दुख हमारे अंदर है, दुख हमारे मन में है, उस दुख को हम ऐसा लेके आते हैं कि जैसा दुल्हा जैसा सजा के लेके आते हैं। हेलो, टाइम हो गया क्या? नहीं भाई, अभी है 8 मिनट, आप कंटिन्यू करें। 8 मिनट है, तो दुख को हम अपने पास सजा के लेके आते हैं, दुख कोई बाहर से नहीं है, और इस दुख को हमको क्यों आया, कैसा आया, इसका चिंतन यदि हम करते हैं तो हम कभी इस दुख में पड़ेंगे नहीं, हम इस दुख से उभरेंगे और थेवीले अनंत पैसे जी रहावे, अनंत पैसे जी रहावे, जावे समाधान। हमारा मकसद समाधान का होना चाहिए, जो मिलता है उसी से हम कार्य करें, हमको ये मिलेगा तो हम कार्य करेंगे, वो मिलेगा तो हम कार्य करेंगे, वो कभी हमारे पास ऐसा समय नहीं आएगा, समय निकल जाएगा लेकिन कार्य भी अधूरा रह जाएगा, और सुविधा तो बिल्कुल आएगी ही नहीं, तो सुविधा की राह न देखते हुए हम अपना जहाँ से शुरू कर सकते हैं वहीं से हमको कार्य शुरू करना है, और आत्म प्राप्ति को प्राप्त करना है। हम अपने को पहचानना महत्व का है, हम अपने को पहले पहचाने, उसके लिए हमको साधना रोज करनी है, साधना हम रोज करेंगे, अपना चिंतन करेंगे, तो हम सच में अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आसक्ति का बंध तोड़ुनी भगदेवाची लाजा श्री 84 तुकड़ोजी महाराज का सुंदर भजन है कि 84 का फेरा हमको आसक्ति के कारण आता है, ये आसक्ति ही संसार की आसक्ति, ये माया की आसक्ति, ये बंधनों, ये चीजों की आसक्ति हमको छोड़ के कर्तव्य रूप से हमको चलना है, और कर्तव्य रूप से हम चलते हैं तो हम निश्चित ही कार्य में भी आगे बढ़ेंगे, और हम इतना समाधान, इतना संतोष, हमको इतना आनंद मिलेगा कि आनंद का पार नहीं रहेगा। जब कार्य में कार्य करते जाएंगे तो हमको इतना आनंद मिलेगा कि हमारे वसुधैव कुटुंबकम, वसुधापूर्ण कुटुंब हो जाएगा, हमारा परिवार बन जाएगा।
हम हर व्यक्ति को हम देखेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि वो मेरा मेरा अपना ही है, उसमें हमको दूसरा भाव नहीं आएगा। वो फिर बिल्डिंग में रहे या झोपड़ी में रहे, झोपड़ी वाला भी मेरा, बिल्डिंग वाला भी मेरा, उनके बारे में कोई भी ऐसी भावना नहीं आएगी कि ये बड़ा है या छोटा है या ऐसा है या वैसा है। उनके बारे में प्यार भाव निर्माण हो जाएगा, इच्छा भाव द्वेष भाव नहीं। वो अपने भाग्य से बड़ा है, मैं मेरे भाग्य से जैसा भी हूँ, ये भाव हमारे अंदर निर्माण होगा। और ऐसा भाव रखने से इतना आनंद आएगा, वो आनंद से हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा आत्मा पुलकित हो जाएगा, नाचेगा कूदेगा अंदर, इतना प्रफुल्लित होगा। जैसा हम कीर्तन ध्यान में गाना सुन के नाचते हैं, गीत सुन के नाचते हैं, भावगीत सुन के नाचते हैं, भजन सुन के नाचते हैं, तो उसकी कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमको। हम अंदर ही नाचते रहेंगे, अंदर ही आनंद लेते रहेंगे। तो ये हमको साधना करने से और अपने आप को जानने से होता है। आसक्ति हमको पहले आसक्ति से यानी जो अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट भगवद गीता का बेस ही वो है कि हमको अटैचमेंट छोड़ना है, अटैचमेंट को समझना है। कहते हैं कि एक व्यक्ति पेड़ को चिपक गया और बोलता है कि मेरे को पेड़ छोड़ता नहीं है, पेड़ छोड़ता नहीं है। क्या ये पेड़ को नहीं छोड़ता है? ये बात होती है। हम वस्तु को छोड़ना नहीं चाहते हैं, वस्तु तो छूटी हुई है। तो हमको हर व्यक्ति से, हर चीज से, हर भावना से हमको छूटना है, उससे उसको समझ के दूर होना है। तो वो छूटने के बाद भी हमारे पास रहेगी, ये भगवद गीता हमको बताती है। संबंध विच्छेद यानी संबंध हमारा है वो अंतर से, उस संबंध को हमको तोड़ना है, वस्तु को नहीं छोड़ना है। वस्तु तो वस्तु वैसी की वैसी ही रहेगी, वस्तु को छोड़ना क्या है? खाना खाना है तो वस्तु जरूरत है, सब्जी वब्जी की जरूरत है, वस्तु की जरूरत है, बर्तन की जरूरत है, बर्तन बनाएंगे नहीं तो पेट में कैसा, पकेगा कैसा, वो खाएंगे नहीं तो पेट कैसा भरेगा, पेट नहीं भरेगा तो हमको शक्ति कैसी मिलेगी, शक्ति नहीं मिलेगी तो हम परमार्थ कैसा करेंगे? तो उसके लिए वस्तु की जरूरत है। लेकिन हम उस वस्तु के अधीन हो जाते हैं, स्वाद के अधीन हो जाते हैं, तो फिर हम वहां से दूर हो जाते हैं, हम स्वाद में ही लुप्त हो जाते हैं, हम आत्म तत्व को भूल जाते हैं, आत्मा को भूल जाते हैं और शरीर के बंधन में आके बैठ जाते हैं। तो कोई भी चीज है हमको उससे दूर नहीं होना है, उसका संबंध विच्छेद करना है। यही भगवद गीता हमको बताती है, संबंध विच्छेद। तब हम इस भगवद गीता को हम अपने हृदय में बिठा लेंगे। भगवद गीता को हृदय में बिठाने का एक ही उपाय है, हम अपना धर्म को निभाते रहे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फलयेतु मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। यानी कर्म करते रहो लेकिन उसकी आशा, फल की आशा मत रखो। कर्म ढेर करो, थकने तक करो, कितना भी हम थक जाए लेकिन कर्म करते रहो। उपनिषद ने बताया है कि 100 वर्ष जगण्याची, कर्म करत करत 100 वर्ष जगण्याची इच्छा धरावी। यानी हमको 100 वर्ष की आयु मिलती है तो ढेर कर्म करने की इच्छा रखो, लेकिन उसमें आसक्ति न रखो, मैं उसके फल की आसक्ति न रखो। तो कर्म हमको मोक्ष तक लेके जाएगी, मुक्ति तक लेके जाएगी, हमको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। जीते जी मुक्ति मिलेगी, मरने की जरूरत नहीं है। यानी ये शरीर छोड़ने की जरूरत नहीं है, शरीर रहते हुए भी हमको मुक्ति मिलती है। बस हमको इतना ही जानना है कि
हम ये शरीर से अलग है और आत्मा ये अमर है, आत्मा सब चलाने वाली है, शरीर तो माध्यम है और ये माध्यम शरीर साधन है, इस साधन को यानी खुरपी जैसा इस्तेमाल करो, खुरपी जैसी कचरा निकालती रहती है और फसल को उगाती रहती है, ऐसे ही इस शरीर रूपी साधन से हमको आत्म रूपी फल को प्राप्त करना है, यही हमारे भगवद गीता का मकसद है। समय हो गया क्या जी भाई? तो समाप्त करो अभी जी, कर सकते जी। तो अभी आप सभी साधन भाई बहनों ने मेरे को इस तत्व ज्ञान तत्व बोध प्रोसेस में संधि दी है, आपने बहुत बहुत आप लोगों को आप लोगों का आभार मानती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और आपने जो भी इस अबोध बालक का शब्द सुन के मीठा कर दिया होगा ऐसी मैं आशा करती हूँ और मैं इस तत्वबोध चर्चा को यहाँ गुरु के चरणों में अर्पण करती हूँ। धन्यवाद, प्रणाम, हरिओम, थैंक यू भगवती मैम, थैंक यू, धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद, धन्यवाद ऑल एवरीबॉडी, थैंक यू, हरिओम, हरिओम। अगले सत्र में हम इसी जो आज चर्चा हुई है, लेक्चर हुआ है, इसी के ऊपर प्रश्नोत्तरी सत्र रहेगा, तो आशा करते हैं कि आप सभी अगले रविवार को भी पुनः उपस्थित होके हमें सहयोग देंगे। धन्यवाद, हरिओम, हरिओम।